टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल कर दिया गया, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा डाली। पुलिस ने मोबाइल व्यापारी सनवर हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी सनवर की पत्नी और उसके प्रेमी मुजाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। सनवर की पत्नी ने अपने पति की हत्या प्रॉपर्टी के लालच में न सिर्फ सुपारी देकर बल्कि शूटर से तमंचा खरीदवा कर करा डाली। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी शीबा पर आरोप है कि उसने प्रेमी मुजाहिद और उसके रिश्तेदारों से मिलकर पति सनवर की हत्या करा दी। दरअसल मोबाइल व्यापारी सनवर की 22 सितंबर की रात उस समय गोली मार कर हत्या कर दी गई, जब वह अपनी पत्नी शीबा के साथ दवा लेकर घर लौट रहा था। पुलिस की माने तो सनवर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी शीबा ने अपने प्रेमी और उसके रिश्तेदारों से मिलकर कराई थी। दरअसल शीबा और मुजाहिद के बीच अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी सनवर को हो गई थी। सनवर ने पिछले दिनों मुजाहिद के साथ मारपीट की और चोरी के एक मुकदमे में नामजद कराया था। सनवर शीबा के साथ भी मारपीट करता था और दूसरी पत्नी को शहर में लेकर रहता था। शीबा ने प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए सनवर की हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत शीबा ने सनवर की हत्या के लिए प्रेमी मुजाहिद से 15,000 रुपये में एक तमंचा खरीदवाया और सनवर का अवैध पिस्टल भी मुजाहिद को दे दिया। हत्याकांड के बाद शीबा ने मुजाहिद और उसके रिश्तेदारों को 10,00,000 रुपये देने का भी वादा किया था। हालांकि पुलिस ने शीबा और मुजाहिद को गिरफ्तार कर आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। घटना में शामिल 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश फिलहाल जारी है। वाइफ के कहने पर क्या कहा था उसकी वाइफ ने आपसे? क्या कहा था वाइफ ने? क्या बोलती थी कि मुझे ही मार देगा, तुझे ही मार देगा। किससे आपने हत्या की थी उसकी? किस हत्याकांड का खुलासा किया था? क्या पूरा मामला, किस तरह से हत्या की गई? ये दिनांक 22 सितंबर को रात में करीब 9 बजे के आसपास कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हातमाबाद निवासी सनवर की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। हत्या के समय इनकी पत्नी, मृतक की पत्नी उसके साथ थी, जिसको दवा दिला के वापस आ रहे थे। और इस प्रकरण में बहुत गहराई के साथ हमारी स्वाट टीम और थाने की पुलिस ने प्रयास किए। प्रयास करने के बाद बहुत सफलतापूर्वक घटना का अनावरण किया। घटना के अनावरण के बाद ये बात स्पष्ट हुई कि मृतक की पत्नी शीबा, जो लाइकी ऐप के जरिए अभियुक्त मुजाहिद के संपर्क में आई थी, मुजाहिद उसको अक्सर गिफ्ट दिया करता था। कुछ महीने पहले उसके घर में मुजाहिद मिलने गया था। उस समय मृतक के परिवारिक जनों ने और मृतक ने उसे चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार कराया था और दिखाया था कि चोरी करने के इरादे से गुस्सा था। लेकिन अब जाके बात स्पष्ट हुई है, पत्नी शीबा से उसके इलिसिट रिलेशंस थे और उन्हीं संबंधों की वजह से पत्नी ने मिल करके हत्या की घटना कारित कराई है। पत्नी का ये कहना है कि उसके पति, जिसकी हत्या की गई है सनवर, उसने एक दूसरी पत्नी के साथ शादी कर ली थी, उसे शहर में रखता था, इसके साथ मारपीट करता था, तो पति के उत्पीड़न से व्यथित होकर के उसने इलिसिट रिलेशन डेवलप किए और अपने पति की हत्या कर ली। इस घटना में अभियुक्त से जो गिरफ्तार किया गया है, आला कत्ल पिस्टल 32 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। घटना में 3 अन्य अभियुक्त भी और हैं, जो इसी के परिवार के रिश्तेदार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया। पुलिस की माने तो मृतक की पत्नी शीबा ने ही पति की हत्या के लिए प्रेमी को पिस्तौल खरीदने के लिए पैसा दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी पत्नी ने प्रेमी से वादा किया था कि जब प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाएगी तो उसे उसमें से 10,00,000 रुपए भी देगी। हालांकि पति की जमीन हड़पने और प्रेमी से शादी होने का सपना पूरा हो पाता उससे पहले ही आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, मगर यह पहली बार नहीं है
जब संपत्ति के आगे रिश्तों की डोर कमजोर हुई हो। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।